हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मच्छी कढ़ी। आप लोग को जरूर से पसंद आएगा ये रेसिपी। आप लोग जरूर से जरूर देखना। थोड़ी देर में हम लोग आपको रेसिपी दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे। ये देखो मेरा बाबू खेल रहा है। ये देखो, हाय बोलो, हाय, वाओ, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय, हाय बोलो बेटा, हाय बोलो। अभी मेरा बड़ा वाला बाबू सोया है और हम लोग जा रहे हैं मच्छी बनाने के लिए। जिसको जिसको खाने का है वो कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप लोग को मच्छी पसंद है वो भी कमेंट करके बताना। आपको ज़रूर खिलाऊंगी। बाय। हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज बनने जा रहा है मच्छी मच्छी कड़ी, फिश करी। और बनाने वाली माया जौनपुरिया। माया जौनपुरिया। मच्छी कड़ी बनेगा। मच्छी कड़ी मैं इसको पहले धो के आती थी। बोलो ना, तो कोई बात फटाफट बोलो। चलो जा रहे बाथरूम। बाथरूम में तो तू सॉरी, मतलब धोने के लिए। मैं रुक ला दूंगी इसकी। सॉरी, तो वॉशिंग हो गया। अभी मच्छी हो गया धो के, अभी जा रही हूं बनाने के लिए। करके हो गया है, देखो कितना अच्छा है। मच्छी बासी नहीं, ताजा है, फ्रेश मच्छी है। एक्चुअली जो फ्रेश रहता है उसका टेस्ट भी अलग रहता है, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि फ्रेश ले। और मार्केट में तो फ्रीजेस का रहता है, लेकिन कोशिश करें कि उसको चेक करके लें कि वो फ्रेश है, तो बेटर रहेगा और बेटर टेस्ट आएगा। ये सफा नहीं किए तुम? ओ, अच्छा, ठीक है। तो चलिए कढ़ाई रख दिए हैं, देखते हैं मेरा छोटा बाबू क्या कर रहा है। क्या हो रहा है भाई, इधर क्या हो रहा है? हाय बोल दो, हाय 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 हाय, आहा क्या स्माइल है। चलो बाय बोल दो। चलो, तो गैस हो गया है चालू और डालने वाला इसमें ऑयल। अभी उम्मीद बाबू किधर जा रहा है भाई? चलो, तो अब पेस्ट के लिए रेडी। हमारा लहसुन है और प्याज है और कुछ नहीं, अदरक है। अदरक है और हरा मिर्ची नहीं डालेंगे इसलिए कि स्वाद थोड़ा कम हो जाता है, तो लाल मिर्ची उसके बदले में डालेंगे। तो अब कर लेते हैं, मिक्स पेस्ट बना के रेडी करते हैं, क्योंकि ये सब पहले से रेडी रहेगा। तो लगभग करके लगाना चाहिए ना। वाह, रबड़ी मलाई हो गया। तो हो गया पेस्ट अपना रेडी। चलिए नेक्स्ट शो करते। चलो, तो ये फिश फ्राई करने के लिए रेडी है। हमारा आटा है, आप रवा भी ले सकते हैं। अब बेसन के पीट में भी हो सकता है, बेसन के आटे में भी हो सकता है। बेसन के आटे में थोड़ा नमक मिर्ची मिला लेंगे तो। लेकिन मैं ये क्यों ऐसा भी तल सकते हो? लेकिन तो क्योंकि ऐसा थोड़ा ड्राई होता है ना, थोड़ा कड़ा कड़ा होता है ना, वो तेल उड़ता है ना पूरा। स्वादिष्ट होता है खाने में और गलता नहीं, जो ग्रेवी में मिक्स नहीं होता। बहुत मच्छी खाने का है और ज़्यादातर कोशिश करें कि एक ही दो दो तीन तीन पीस डाल के फ्राई करें, क्योंकि बेटर रहता है चलाने में। और एकदम गर्म रहेगा तो अच्छा होता है, नहीं तेल गर्म भी रहना चाहिए। हाँ, तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्योंकि कम रहेगा तो चिपकेगा, पूरा टूट जाएगा मच्छी। खाना बहुत बाबू मच्छी खाने का है, मच्छी खाओगी? अरे अरे अरे, मच्छी नहीं खाने का, देखो मच्छी खाने खाए आएगा। कैसे बुला? चलिए, तो मैं फर्स्ट फॉरवर्ड करके वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। पूरा तलने के बाद मैं वीडियो आगे दिखाते हैं।
देख सकते हैं ये हमारा फ्राई हो रहा है बिल्कुल कड़ी कड़ी पीस, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए पूरा फ्राई होने के बाद मैं वीडियो शो कर दूँगा आपको, फिर उसके बाद आगे का वीडियो दिखाते हैं। मेरी मच्छी कितना अच्छा एकदम फ्राई हो गई, देखो एकदम कड़ा कड़ा है, एकदम मस्त देखने में भी कितना मस्त दिख रहा है। भजिया के जैसा देखो, बिल्कुल कड़े कड़े पीसेस हैं, बिल्कुल कड़े कड़े पीसेस हैं, ऐसा लग रहा है कि भजिया बना है। तो आटा या रवा में अगर मिक्स करके डालेंगे तो ऐसे कड़े कड़े पीसेस होंगे जो कि आपका ग्रेवी मिक्स नहीं होगा। बेसन में भी करते हैं, बेसन में भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है बेसन में भी, और लाल मिर्ची में भी कर सकते हैं। हाँ बेसन में थोड़ा मसाले डाल देंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि उसको सूखा ही खा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बना है, ऐसा लग रहा है कि वो पकौड़ी है। आगे देखिए एकदम बढ़िया है ना, ताजी मच्छी है ना इसकी वजह से, बिल्कुल स्नैक जैसा लग रहा है, ताजी मच्छी है ना, ज्यादा दिन तो मच्छी खराब। चलिए तो हो गया हमारा पूरा फ्राई करके रेडी, 1 kg मच्छी हमारा, तो अभी ग्रेवी के लिए बहुत आज का मच्छी है, ताजा ताजा सब मटेरियल डालेंगे, और इसमें तेज पत्ता, तेल हमारा ऑलरेडी गर्मी है, हम इसमें डालेंगे 2-3 पीस तेज पत्ते, और तेज पत्ते 2-3 पीस डालें, और जो अपना पेस्ट रेडी करके रखे थे प्याज और लहसुन और अदरक का एक पेस्ट, उसको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि वो हल्का हल्का रेडनेस आ जाए, सॉरी बोलो ना, हाँ रेडनेस बोल सकते हैं, रेडनेस ही बोलते हैं, हल्का हल्का लाल आ जाएगा तब तक उसको भूनेंगे, थोड़ा फ्लेम कम कर लेंगे गैस का तो बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फ्लेम होने की वजह से चोपर जो है पक नहीं पाता। ओ फ्रिज में क्या कर रहा है पागल, फ्रिज बंद कर दो आप, फ्रिज बंद कर बेटा, देखो मेरे लोग पागल बैठे हैं, मच्छी नहीं खाते, चलिए तो थोड़ा रेडनेस हो जा रहा है तो फिर ऑन कर रहे हैं। तो ये है हमारा मिक्स मसाले जिसमें सब कुछ मिक्स है, अगर बोले तो गरम मसाले, ये अपना स्वाद के अनुसार डालेंगे, वैसे कम से कम 2 या 2.5 चम्मच डालना चाहिए, क्योंकि मसाला जितने बेटर रहेगा और ज़्यादा रहेगा उतना बेटर होगा, और ये हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, लाल मिर्ची पाउडर है, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि नहीं मसाले जल जाएंगे ऑयल की वजह से, इसको हल्का है पानी डाल के इसको धीमी आंच में पकाएंगे, बेटा। तो देखिए हमारा हो गया है रेडी है पानी डालने के लिए, और कलर कितना अच्छा इसमें है, इसमें ऐड करेंगे पानी, मसाले में मसाला कलर देखो कितना मस्त है, इसमें ऐड करेंगे पानी जितना हमारे बाबू जितना हमारा जरूरत है तो इस हिसाब से पानी ऐड करेंगे, और
हेड कर पानी को। चलिए तो ये हमारा बॉइल हो रहा है ग्रेवी, इसमें डाल दें अपना पीसेस। डाल दें इसमें, और नमक भी हम ऐड कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि ग्रेवी बढ़ाए थे ना, पानी डाल के बढ़ाए थे ना, तो हमारा वीडियो एक्चुअली इतना रुक गया था तो मैं लिखा नहीं पाया आप लोगों को। अभी 10 मिनट के बाद ये मतलब थोड़ा और मस्त खोल जाएगा। 10 मिनट के बाद उबाल अगर मारने लगे तो एक दो कम से कम 4 से 5 मिनट बाद जब अच्छे से उबाल आने लगे तो फिर आप उतार सकते हैं। चलिए उतरने के बाद हम दिखाते हैं आपको वीडियो। चलिए तो हो गया हमारा रेडी, अब बंद करने वाले हैं गैस। तो बंद करने वाले हैं गैस अपना, तो अब गैस बंद। आप लोग चैनल बोल रहे ना, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, नहीं बोल रहा था।